गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की विसनगर दंगा मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल के लोकसभा चुनाव 2019 लड़ने पर पूर्ण विराम लगा गया है। हाईकोर्ट का फैसला सामने आने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा कि वो गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रही है।